देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ आश्वासन हमें नहीं मिला, लेकिन जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात की, ज्वाइंट एक्शन कमेटी में सारे लोग हैं बहुत सारे, तो थोड़ा सा हलचल तो है। लेकिन अगर हम उसको एकदम यूँ कहें कि बहुत पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स अभी तक आया है, वो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया में भी लगातार आ रहा है, प्रोफेसर हंसराज सुमन जी लिख रहे हैं, धनी राम जी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के द्वारा लिख रहे हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी भी और भी बहुत सारे साथी हैं हमारे, तो लगातार कवरेज तो है। मतलब खासकर आपने बताया हलचल है, हलचल किस में, आप लोगों में या मतलब? नहीं नहीं, हमारे अंदर तो हलचल है, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो यहाँ नहीं बैठे, जो घरों में है, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए मंच तक, यहाँ हंगर स्ट्राइक तक, उनके में भी हलचल है। हलचल है मुद्दे को लेके, जो विषयवार जो एक बना है रोस्टर, जिसके माध्यम से लगभग दलित बहुजन समाज बाहर हो जाएगा दलित मतलब यूनिवर्सिटीज से। एक तरह से द्रोणाचार्य के रूप में हम इसको देखते हैं, जैसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा में प्रवेश उसको नहीं करने दिया था एकलव्य को, ठीक उसी तरह आज जो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं और शिक्षण संस्थाओं की तरफ जा रहे हैं, उनको रुख कर चुके हैं, हमारे दलित बहुजन समाज बहुत शिक्षित मतलब वो रेशो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। लेकिन ये जो फरमान है, मैं एक बात आपसे आता हूँ, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो अनपढ़ थे, रोटी को लिए भी तरसते थे, लेकिन उन्होंने उस समय संविधान को आँच नहीं आने दी। और आज इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद में आप प्रोफेसर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, 4-4 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और सारे मतलब इस समय अपने आपको कहते हैं कि हम बाबा साहब ने हमें ये दिया, बाबा साहब मंच पर खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन आज संविधान की जो धाराओं के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, ये गलती किसकी है? उन महापुरुषों की गलती है जो बुजुर्ग थे, या आज जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी गलती है? देखिए, मैं मानती हूँ कि उस वक्त जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधानिक अधिकारों को हमें दिया, और बुजुर्ग लोगों ने जितना भी योगदान है, मैं बुजुर्ग नहीं कहूँगी बल्कि हमारे एक तरह से हमारे आदर्श हैं, फाइटर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत उसको कायम रखा है। और आज भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ टीचर्स बैठे हुए हैं, महिलाएँ टीचर्स भी बैठी हुई हैं, और सोशल मीडिया और समाज साथ में है। देखिए, अंतर नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ का, हर एक युग का अपना अपना योगदान रहता है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारा जो पढ़ लिख कर समाज जो आगे आ चुका है, उनका ये दायित्व तो बनता है कि वो संविधान के कम से कम संविधान को बदलने का जो प्रयास जो किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, या अलग अलग तरह के फरमान आ रहे हैं उसके माध्यम से, तो बड़े पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को सही दिशा दें और इन फरमानों को भी रोकें। लेकिन मैं ये कहना, सुनिए, मैं आपकी पहली बात का जवाब देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज आराम से बैठा हो। कई लोगों की नहीं, सिर्फ स्वार्थ नहीं हो सकता। सुनिए, आपका कोई बात रोक दी गई है, लेकिन जो आप गांव देहात के अंदर आप देख रहे हैं उनका बहुत बुरा हाल है। देखिए, बिल्कुल सही है, भारत की दशा तो खासकर गांव के इलाकों में तो बहुत बुरी तरह रही है। हम लोग भी वहीं से निकल के आए हुए हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा, और जिन्होंने शिक्षा का शेरनी का दूध पिया वो आगे आया हम लोग हैं। मैं खुद गांव देहात से हूँ, 25 साल वहीं पर गुजारे हैं हम लोगों ने और यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि बिल्कुल सही है कि दशा आज भी हमारी वही है, लेकिन आप देखिए ना कि इसके बावजूद भी हमारे लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के तहत आज महिलाएं, हमारी उसी समाज से निकली हुई महिलाएं भी हैं जो यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्रीज में, कॉरपोरेट में है, हालांकि उसकी संख्या बहुत कम है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संदेश को तो अपने पास समाहित रखा है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ हमारे बीच में से हो सकता है कि कुछ लोगों की मजबूरियाँ रही हों जो नहीं खुल के आ पा रहे, उनके ऊपर तो हम क्या कह सकते हैं, उसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो हमें देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनकी सॉलिडरिटी हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो घरों में हैं और जो अध्यापक भी काम कर रही हैं, मतलब अध्यापक शिक्षण क्षेत्र में भी हैं, वो हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल हमारे साथ हैं। हम तो ये कहेंगे कि हमारा पूरा मतलब शिक्षक जगत हमारे साथ है, वो अलग बात है कि कुछ नहीं आती है। बाबा साहब ने
एक मंच पे कहा था कि अगर 20 वकील, 20 इंजीनियर और 20 प्रोफेसर अगर इस समाज के अंदर पैदा हो जाएंगे तो ये समाज पीछे हटने वाला नहीं है। अब तो करोड़ों लोग हैं फिर भी संविधान के अंदर संशोधन हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं ये बात मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये पार्शली क्या बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि हम जब हमने यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत काम करना शुरू किया था उसी दिन से हम लोगों ने ये बात रखी है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं निभाया, चाहे रोस्टर का मुद्दा हो, जैसे 200 पॉइंट रोस्टर हमारा पहले था, बैकलॉग हम लोगों की वजह से शायद नहीं भरा गया, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से यूनाइट होकर अगर लड़ते तो शायद हमें पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन जब से लागू हुआ था बैकलॉग हमें मिलता। लेकिन मैंने फिर आपको अभी भी मैं दोबारा फिर ये कह रही हूँ कि हमारा जो शिक्षक जगत है वो एकजुट है। आज इस मंच पर SC ST OBC अपने सारे संगठनों को छोड़ के, सारे अपने स्वार्थों को छोड़ के बीच में हैं हमारे, और इसका प्रभाव है कि वो जितनी हमने अपनी गलतियाँ या मजबूरियाँ कही है या अपने स्वार्थ कही है, किसी को प्रमोशन का लालच है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को VC बनना है, हम लोगों में से ही है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। सिर्फ ये वो नहीं है जो नहीं आ सकते, बल्कि यहाँ की जो जाति व्यवस्था है, जिस तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में हर एक व्यक्ति ऐसे निकल के आ पाएगा, उनको लाना पड़ेगा। मतलब इतना हम ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी आया और वो तुरंत धरने पर बैठ जाएगा। या सबके जिस तरीके से पूरा डर, आप इस धरने के आगामी योजना क्या रहेगी? देखिए जॉइंट एक्शन कमेटी की कल हमारी रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें कई सारे डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं। उसमें से एक डिसीजन ये है कि जब तक ये जो डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर जो हमारे सामने आ चुका है लेटर के रूप में, जब तक ये वापस नहीं लिया जाता तब तक हम अपने आंदोलन को, चाहे वह रिले हंगर स्ट्राइक का हो, अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में हो, भूख हड़ताल के रूप में हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, पैम्पलेट्स हो, मार्च हो, अभी आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी संख्या में हम लोग पार्लियामेंट से संसद, मंडी हाउस से संसद तक किया, और हमारे साथ इसमें शिक्षक, पूरा शिक्षक जगत भी है, मतलब सिर्फ SC ST OBC नहीं है, डूटा भी हमारे साथ है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और आगे भी उनका सहयोग जॉइंट एक्शन कमेटी लेगी, और उन्होंने ये स्वीकारता भी अपनी एक तरह से दी। हमारा जो फर्दर जो एक्शन रहेगा वो जॉइंट एक्शन कमेटी समय समय पर हर रोज़ बताती है, आप भी खुद आ चुके हैं यहाँ कई बार, लेकिन जब तक ये, मतलब ये दृढ़ निश्चय है हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी का कि जब तक ये सारी की सारी चीज़ें, खासकर ये लेटर वापस नहीं हो जाता, तब तक हम लोग, चाहे हमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाना पड़े, हम बैठेंगे। डॉक्टर कौशल जी, आप एक महिला हैं और आपको ये इंडिया ही नहीं विदेश भी देख रहा है, और विदेश और जो हमारे यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो आपको अच्छी तरह देख रहे हैं, अगर आप किसी तरीके की गाज गिर गई तो ये पीछे का जो आपके बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको कौन देखे? देखिए मैंने आपको मतलब अगर आपने सत्यमेव जयते में सुना होगा, मैंने एक बात कही थी, हमारे पिताजी जिनको हम चाचा बोलते थे वो ये कहा करते थे कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और वो अलग बात है कि झाड़ू देना और कलम पकड़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये मैं मानती हूँ। बावजूद इसके मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर कल को इसी तरह के, असल में तो होगा नहीं है, इसलिए नहीं होगा कि मेरा पूरा शिक्षक जॉइंट कमेटी पूरी मेरे साथ है, अगर हो भी जाती है एक संभावना जो हो सकता नज़र आए, और ये मैं आपको बीच में बताना चाहती हूँ कि मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ जो थोड़ा सा अलग भी है, क्योंकि मेरा जो पूरा जो क्षेत्र है या पूरा जो संस्कृत जगत है वो जानते हैं कि आज उसमें किस तरीके के, मतलब पूरा, मतलब पूरे देश की ठेकेदारी माना जाए कि बाबा साहब को आपने अच्छी तरह पढ़ा है, बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चों को, सिर्फ ये कहना चाहती हूं, दवाई के कारण उनके घरवाली चले गए, उन्होंने इसका गम निकाला, तो आप नौकरी का कोई गम नहीं है? मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई गम नहीं होगा, मैं पहले भी दिहाड़ी मजदूरी करके कमा के खाती थी, ग्रेजुएशन करते हुए भी, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए भी, MPhil करते हुए भी, BEd करते हुए भी,